आज उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का दिन है। आज यूपी की राजनीति में ऐसा सूर्योदय हो रहा है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आज उस नेता का राज तिलक होने जा रहा है जिसके नाम से सूबे में गुंडे और माफिया थर थर कांपते हैं। जी हाँ, आज यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास को पलटते हुए करीब 37 सालों के बाद फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ के लोक भवन में गुरुवार को हुई बीजेपी गठबंधन के विधायकों की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुने जाने और विधायकों को संबोधित करने के बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 273 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे लखनऊ को सजाया गया है। इसके साथ ही हर गली चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग और बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। वहीं स्टेडियम के बाहरी हिस्सों को भी सजाया जा रहा है, साथ ही साथ हर तरफ बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। बीजेपी ने यूपी में लगातार दूसरी बार बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में इस शपथ ग्रहण का भव्य होना लाजमी भी है। आईएनएस रिपोर्ट।